लंकेश, क्या हम बलवान हैं? एक कार आ गया था तो सहयोग के लिए आपके पास चले आए। हाँ महाराज, ऐसा कौन सा कार आ गया जिसमें मेरे सहायता की जरूरत पड़ गई? बात यह है कि बहन सूप लगा घूमते घूमते पंचवटी की ओर चली गई। वहां अयोध्या के दो राजकुमार एक परम सुंदरी स्त्री के साथ पर वहां पर आए हैं। उनमें से छोटे भाले राजकुमार ने हमारी बहन सूप लगा के नाक कान काट लिए। इस अपराध का दंड उन्हें अवश्य देना है। अतः तुम शीघ्र ही पंचवटी की ओर प्रस्थान करो। वो दोनों राजकुमार हैं। तुम कपट में कपेश ठाकर करके उनके सामने जाएंगे। वो आखेट करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। तुम उन्हें इतनी दूर ले जाना कि मैं अवसर पाकर उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर लूंगा। अतः तुम शीघ्र ही पंचवटी की ओर प्रस्थान कर। जय बोले कहा सुना हूं दस सी शान ए नर रूप चरा चरण। ऐसा घृणित कार्य अपने दिल से त्याग दें। वे कोई साधारण राजकुमार का उपभोग कर रहा है और मुझे रावण को क्रूर समान उपदेश दे रहा है। क्या हम कम बलवान है? मेरे करे अनुसार कार्य कर, अन्य का तेरे प्राणों की कुशल नहीं। नव मारी जड़ गए अनुमान, नव ही विरोध नहीं कल्याण। सत्य ही है सस्ती मर्मी समर्थ स्वामी राजा बैल भाट कवि एवं रसोईया, इन नौ लोगों से कभी भी विरोध नहीं कर।